पांच विषय होते। कितने विषय हैं? पांच। पांच। एक का नाम हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री हिंदी में इसे इतिहास कहते हैं। नंबर दूसरा GEOGRAPHY, जियोग्राफी, इसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। और नंबर तीसरा पॉलिटिकल साइंस, इसे हिंदी में राजनीति शास्त्र या विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जहाँ रहेगा वहाँ शास्त्र भी आप बोल सकते हैं। और नंबर चौथा इकोनॉमिक्स, इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। और नंबर पांचवा जिसे अंग्रेजी में डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, यानी हिंदी में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इसके लिए कहीं अलग से किताब लेने का कोई जरूरत नहीं है। जियोग्राफी में ही रहता है, एनसीईआरटी के बुक खरीदिएगा ना तो जियोग्राफी में ही लास्ट में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका अलग से बुक नहीं आता है, इसी में रहता है। इससे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पढ़ना इकोनॉमिक्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री और जियोग्राफी से पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? हिस्ट्री से और जियोग्राफी से। हिस्ट्री और जियोग्राफी से। और तब क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। और चार क्वेश्चन में से मात्र दो ही क्वेश्चन का आंसर देना है, वो पूछेगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से। चलिए इसको आप लिख लीजिए। सोशल साइंस में भी मिला के कितने सब्जेक्ट होते हैं? पांच। एक को बोलेंगे हिस्ट्री, हिंदी में इसे इतिहास, और जियोग्राफी इसे हिंदी में भूगोल, पॉलिटिकल साइंस हिंदी में इसे बोलेंगे राजनीति विज्ञान, इसे इकोनॉमिक्स, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जिस विषय को, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आखिर में अर्थशास्त्र कहते किसको है। तो अर्थशास्त्र का डिफिनेशन कहता है, देखिए किताब में आपको अर्थशास्त्र के बदले में लिखल होगा अर्थव्यवस्था भी, अर्थव्यवस्था। इस दोनों के बारे में हम बताएंगे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ठीक। तो आप लोग ना क्वेश्चन भी लिखिए हमारे साथ, हेडिंग डालिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और नीचे क्वेश्चन नंबर वन लिखिए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए आंसर इसका। वैसा शास्त्र जिसके अंतर्गत वैसा शास्त्र
जिसके अंतर्गत हम वैसा शास्त्र जिसके अंतर्गत हम देश और दुनिया के बीच में माइनस क्या चिन्ह दीजिएगा, जिसको स्टैंडर्ड भाषा में योजक चिन्ह या हाइफन कहते हैं। देश दुनिया ऐसे लिखिए, देश दुनिया। क्या लिखे? वैसा शास्त्र जिसके अंतर्गत हम देश दुनिया के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं यहाँ अर्थशास्त्र यहाँ पढ़ते हैं के बाद कोमा दीजिए। पूर्ण विराम का मतलब होता है सेंटेंस समाप्त हो गया। कोमा देना हमेशा, कभी भी आपको उसे कहते हैं लिखना पड़े ना, उसे कहते हैं, ठीक है ना, तो उस है के तुरंत बाद कोमा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फिर से बोलिए, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? हमने डिफिनेशन लिखवाया कि वैसा शास्त्र जिसके अंतर्गत हम देश दुनिया के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जानते हैं, अर्थशास्त्र को ही अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा जाता है। तो नीचे नोट में लिखिए, नोट नंबर वन में लिखिएगा, अर्थशास्त्र को ही अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा जाता है। अर्थशास्त्र को ही अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आंसर दोनों का सेम ही होगा। एक आदमी का ही दो नाम है, या आप अर्थशास्त्र कह लीजिए या अर्थव्यवस्था कह लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। अच्छा, कभी कभी होता है क्या कि स्टूडेंट समझने में कन्फ्यूजन कर जाता है, प्लीज हल्ला नहीं। क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अगर पूछो पूछे आंसर यह लिखना है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे इन तीनों में से आंसर सेम ही होगा। तो ध्यान रखना है, नोट नंबर टू। अर्थशास्त्र के जनक यानी पिता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है।
अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। देखिए अर्थशास्त्र के दो पिता हैं। पहला कि जो जिस विषय को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, फिर क्लास 12th में पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, तो जो ये अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उनका पिता है एडम स्मिथ। और एक अर्थशास्त्र था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के एक राजा और मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी एवं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। और चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और इसका एक और नाम है कौटिल्य। एक व्यक्ति जिसका तीन नाम है, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। एक ही व्यक्ति के यह तीनों नाम है। और यह व्यक्ति था कौन? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा इनके गुरु था चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अपने शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कुछ भी किया उसके बारे में चाणक्य ने लिखा। जिस पुस्तक में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन वह अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। वो अर्थशास्त्र को नेता लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं। अगर आपको भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ये सब भविष्य में बनना हो, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, तो उनके बुकों को जरूर पढ़िए। इनके बुक को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो ये जो जिस बुक की रचना किए हैं वो बुक का नाम अर्थशास्त्र ही है, लेकिन उसका संबंध राजनीतिक से है। वो सब का अध्ययन नेता लोग करते हैं, हम लोग नहीं। हम लोग जिस विषय का अध्ययन करते हैं उनके पिता एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो यह था अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा जाता है। और तब हमने लिखा नोट नंबर 2 में कि अर्थशास्त्र के जनक या पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। अब अर्थशास्त्र के डिफिनेशन और इनके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त